उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। अब हर साल की तरह इस बार भी सात समंदर पार से आए खास विदेशी मेहमान संगम तट पहुंच चुके हैं, जहां हजारों खूबसूरत परिंदों ने प्रयागराज के संगम तट को वक्त से पहले ही अपना नया ठिकाना बना लिया है। वहीं विदेशी मेहमानी के इस कलरव से संगम आने वाले सैलानी और पर्यटकों का दिल भी लग गया है। आपको बता दें कि आमतौर पर ये पक्षी दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में संगम आते थे, परंतु इस बार यूरोप में वक्त से पहले बर्फबारी के चलते इन्होंने समय से पहले संगम का रुख कर लिया। वहीं 10 जनवरी 2020 को माघ मेले की शुरुआत हो रही है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि खास विदेशी मेहमानों ने अभी से ही अपना डेरा मेला क्षेत्र में लगा लिया है। गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है और संगम शहर प्रयागराज में सात समुंदर पार से आए विदेशी मेहमान भी संगम तट पर पहुंच चुके हैं। हम मौजूद हैं संगम तट पर और आप देखिए कि ये हमारे पीछे साइबेरियन बर्ड्स हैं। गुलाबी ठंडक जब दस्तक देती हैं तो ये सारी बर्ड्स यहाँ पर आ जाती हैं। ये वही बर्ड्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड से आती हैं और तकरीबन 5 महीनों तक भारत में रहती हैं या कहें कि संगम तट पर रहती हैं, और उसके बाद ये अपने जब यहाँ गर्मी पड़ने लगती है तभी ये वापस लौटती हैं। और कहा जाना चाहिए कि माघ मेले के बाद ये पहली ऐसी विदेशी सैलानी है जो यहाँ पर आते हैं। और आप देखिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग नाव पर हैं जो इनको यहाँ खाना दे रहे हैं और दोस्ती भी कर लिए हैं। सबसे पहले हम आप पास आएंगे, ये बताइए आप कहाँ से आप आए हैं और आप यहाँ साइबेरियन बर्ड को आप खाना दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कितनी अच्छी लगती है ये आपको? सर मैं ये कौशाम्बी से आया हूँ और ये मैं जब ये गुलाबी ठंड पड़ती है मैं हमेशा हर सालों साल से आ रहा हूँ, और चूँकि ये विदेशी मेहमान है तो इनका वेलकम करना हमारे लोग का फर्ज बनता है। तो इतनी दूरों से आए हुए हैं सात समुद्र पार तो उनका ख्याल रखना हमारे लोग का फर्ज बनता है। चूँकि ये प्रयागराज की एक बार शान है, मर्यादा है हमारे लोग की, जो कि हम लोग की सेवा करते हैं मौका मिलता है और ये बहुत ही नेक काम है। अब इनकी सेवा हम करेंगे शायद वो लोग इससे एक्टिव हों और ये दोबारा से इंडिया की तरफ रुख करें। बिल्कुल, ये कौशाम्बी से बताओ, आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर एक नाव बुक करिए हैं और आप यहाँ खाना खिला रहे हैं, कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं और कितने खूबसूरत ये नज़ारा लगता है? हम तो कई सालों से आ रहे हैं और हमारे जो मित्रगण हैं वो कौशाम्बी से चल कर आते हैं। सिर्फ ये जो साइबेरियन पक्षी जो सात समुंदर से चल कर यहाँ आए हैं उनको ये क्या नाम है चारा खिलाने और उनकी सेवा करने के लिए जब हमारे मित्र लोग आते हैं तो मैं भी उनके साथ आता हूँ और इनकी सेवा करता हूँ जो है, क्योंकि ये बहुत मासूम पक्षी हैं और मासूम पक्षी के साथ को हम लोग जब चारा खिलाते हैं तो दिल बहुत खुश होता है। जी आप कहाँ से आ पाए हैं? कौशाम्बी से। और मैं बहुत अच्छा लगता है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, और मैं रोज डेली आता हूँ इस बीच, क्योंकि इस सारी साइबेरिया पक्षी सिर्फ 4 मंथ के लिए आता है, उसके सिर्फ 4 मंथ के लिए आता है, उसके बाद हम लोग इसको दाना डालते हैं और दाना डालने पे ऑटोमेटिकली हमारे पास आकर्षित हो जाता है, ये सबसे बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौशाम्बी से भी लोग आए हैं, प्रयागराज से भी हैं और ये सिर्फ यहाँ पर इन पक्षियों को खाना खिलाने के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे मेहमान होते हैं जो केवल 4 से 5 महीने रहते हैं। जब होली का समय आता है, होली बीत जाती है तो सभी साइबेरियन बर्ड अपने अपने मुल्क के लिए वापस लौट जाती हैं। तो ऐसे में माघ मेले से पहले ही विदेशी पर्यटकों का आना शुरू हो चुका है और एक खास नज़ारा प्रयागराज के संगम तट पर देखने को भी मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट रंगित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर लाइव टुडे प्रयागराज।